हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बड़ा काम का है। जैसा प्रकाशित हुआ कि वैसा देख के 12 वचन में लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु ने कहा है मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। देखिए, स्वत सिंहासन के सामने उन्हीं लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, उन्हीं लोगों को लेखा देना पड़ेगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा, जिनका उद्धार नहीं हुआ होगा। सिर्फ वही लोगों को स्वत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रकाशित हुआ कि 20:11-15 तक हम पढ़ देते बाइबल से पूर्व पाप के लिए। फिर मैंने एक बड़ा स्वत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए फिर जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें हर एक कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, वह न्याय परमेश्वर है। याद रखना, अगर आप अपना जीवन पापों में, गलत कामों में, व्यभिचार में बिता रहे हो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा, बहुत ही जरूरी है हमारा उद्धार होना। अगर उद्धार नहीं हुआ होगा, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ होगा, तो उसको स्वत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। वहाँ स्वत सिंहासन के सामने अपना अपना लेखा खुद देंगे, किसी के अम्मा पप्पा वहाँ पर लेखा नहीं देंगे। अब हम छठवें मोहर का खुलासा करेंगे, ठीक है भैया? वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेना। प्रकाशित वाक्य 6:17 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और जब उसने छठवें मोहर खोली, यानी यीशु मसीह ने खोली, फिर मैंने को यूहन्ना ने, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा, कि एक बड़ा भूंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई पूरा काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से कच्चे फल, अंजीर के कच्चे फल झड़ते हैं। जब छठवें मोहर खोली जाएगी तब यह सब होगा। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, स्वतंत्र दास, अब पहाड़ों के खोहों में जा छिपे, चट्टानों के दरारों में जा छिपे, और पहाड़ों से और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, जो उसके सिंहासन पर बैठा उसके प्रकोप से, मेमने के प्रकोप से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन अब आ पहुंचा है। जब छठवें मोहर खोली जाएगी तब पृथ्वी के राजा, जो बड़े 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 लोग हैं, परम प्रधान लोग हैं, धनवान लोग हैं, सामर्थी लोग हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की दरारों में, खोहों में जाकर छिपेंगे। उस 7 वर्ष में जब परमेश्वर का प्रकोप चलेगा, जब परमेश्वर छठवें मोहर खोलेगा, तब यह सब होगा। उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा और आप पहले यीशु मसीह के पास साथ चले जाएंगे तो आपको 7 मोहरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, 7 कटोरे उन्हें ले जाएंगे। उस 7 वर्ष में आपको रोना भी नहीं आएगा। अगर कोई यहाँ पर रह जाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत तड़पाएगा परमेश्वर अनंत काल के लिए।